नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम ITR फाइलिंग किन सिचुएशन में मैंडेटरी होगा। आज मैं बात करने वाला हूँ, नौ सिचुएशन है, ये नौ अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ हैं जिसके अंदर आपको ITR फाइलिंग मैंडेटरी हो जाएगा, आपको ITR फाइलिंग करना ही होगा। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कॉन्टेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, बात करने वाला हूँ सबसे पहले सिचुएशन के बारे में। तो अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से क्रॉस हो जाती है, ठीक है, एग्जेम्पशन और डिडक्शन से पहले अगर आपकी लिमिट, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो आपकी इनकम है उस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से क्रॉस हो जाती है। एग्जेम्पशन और डिडक्शन कौन सी वाली? एग्जेम्पशन जो कैपिटल गेन के अंदर है, अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA या 54GB। ये डिडक्शन ATC से लेकर ATU तक, जैसे LIC, PPF, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट, मेडिक्लेम, इन सब का जो इंटरेस्ट लेते हैं आप ATC से ATU तक, उनसे पहले जो भी आपकी इनकम होगी और वो इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से क्रॉस हो जाएगी। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की बात करें, अगर इंडिविजुअल पर्सन है आप, तो नॉर्मल पर्सन के लिए 2.5 लाख है, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख। अगर इन लिमिट से क्रॉस हो जाती है आपकी इनकम, तो उस केस में आपको ITR फाइलिंग करना मैंडेटरी हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास कोई भी एसेट्स है इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में भी मैंडेटरी हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई भी इंडिविजुअल होल्ड कर रहा है कोई भी एसेट्स, ठीक है, जो कि लोकेटेड है इंडिया के आउटसाइड, तो उस केस में उसको यहाँ पे ITR फाइलिंग मैंडेटरी होगा। शाइनिंग अथॉरिटी है किसी भी एसेट्स की जो कि लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया, उस केस में भी मैंडेटरी होगा। या कोई भी बेनिफिशरी जिसके पास कोई एसेट्स है जो कि लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया, उस केस में भी मैंडेटरी होगा ITR फाइलिंग। और दोस्तों, अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट किया है बैंक अकाउंट के अंदर कैश, तो उस केस में आपको ITR फाइलिंग मैंडेटरी होगा, ITR फाइलिंग करना ही होगा। अगर यहाँ पे इंडिविजुअल अपने बैंक अकाउंट में एक या एक से अधिक अकाउंट के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट कराता है, तो उस केस में उसको ITR फाइलिंग मैंडेटरी हो जाएगा। ये असेसमेंट ईयर 19-20 से ही इसका इफेक्ट शुरू हो गया था। 19-20 के बाद से ही अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा अपने बैंक अकाउंट में कैश जमा कराते हैं, तो उस केस में ITR फाइलिंग मैंडेटरी होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन ये है, अगर इंडिविजुअल 1 करोड़ से ज़्यादा करंट अकाउंट में डिपॉजिट कराता है पोस्ट ऑफिस के अंदर, पोस्ट ऑफिस में जो उसका अकाउंट है उस अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा जमा कराता है और उसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, ठीक है, तो उस केस में ITR फाइलिंग नहीं करना होगा। उसके बाद अगर आपने 2 लाख रुपये से ज़्यादा फॉरेन ट्रेवल के ऊपर खर्च किए हैं, ठीक है, तो उस केस में भी ITR फाइलिंग मैंडेटरी होगा। इसका इफेक्ट भी असेसमेंट ईयर 19-20 से शुरू हो गया था। और अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कंजप्शन करते हैं, यानी 1 लाख रुपए से ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने में पूरे साल के अंदर, ठीक है, तो उस केस में आपको ITR फाइलिंग मैंडेटरी होगा। 1 लाख रुपये से ज़्यादा का अगर बिजली बिल पे कर देते हैं, तो ये भी असेसमेंट ईयर 19-20 से शुरू हो गया था। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपकी टर्नओवर 60 लाख रुपए से ज़्यादा है, ये किसके लिए? एक इंडिविजुअल अगर उसकी सेल टर्नओवर या ग्रोज रिसीट्स एक बिजनेस के अंदर 60 लाख रुपए से ज़्यादा हो गया है, तो उस केस में उसको ITR फाइलिंग मैंडेटरी होगा, ठीक है। ये असेसमेंट ईयर 22-23 से इसका इफेक्ट शुरू हो जाएगा। नोटिफिकेशन नंबर 37/2022 21/4/22 के जरिए ऐड किया गया इस कंडीशन। अगर आपकी ग्रोज रिसीट्स प्रोफेशन से, किससे? प्रोफेशन से, अगर आप प्रोफेशन में है, जैसे टीचर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, तो उस केस में कि इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, ग्रोज रिसिट से 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उस केस में भी ITR फाइलिंग आपको मैंडेटरी हो जाएगा, ITR फाइलिंग करना होगा। इसको भी नोटिफिकेशन नंबर 37 के द्वारा ऐड किया गया इस कंडीशन को, और ये 22-23 असेसमेंट ईयर से इसका इफेक्ट शुरू। अभी करंटली जो ITR जा रही है किस कौन से असेसमेंट ईयर की जा रही है? 22-23 की। तो 22-23 की असेसमेंट ईयर से इसका इफेक्ट शुरू होगा। अगर आप प्रोफेशन में हैं और 10 लाख रुपये से ज़्यादा आपकी ग्रोज रिसिट है, तो उस केस में आपको ITR फाइलिंग मैंडेटरी हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपका TDS या TCS 25,000 रुपये से ज़्यादा, 25,000 या 25,000 से ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में ITR फाइलिंग मैंडेटरी होगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 50 लाख रुपये या उससे ज़्यादा जमा कराया है, तो उस केस में ITR फाइलिंग मैंडेटरी हो जाएगा। हाँ जी दोस्तों, अगर यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल अपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर एक या एक से अधिक सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 50 लाख या उससे ज़्यादा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर के अंदर जमा कराया है उसने, तो उसको यहाँ पे ITR फाइलिंग मैंडेटरी हो जाएगा। इसके लिए भी नोटिफिकेशन नंबर 37/2022 का देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सिचुएशन है,
इन सिचुएशंस के अंदर आपको आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो जाएगा। अगर इन सिचुएशन के अंदर आप फॉल करते हैं, इन सिचुएशन के अंदर अगर आप आते हैं, तब आपको आईटीआर फाइलिंग करना ही होगा, नहीं तो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है। तो ये था कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।